हेलो गाइस, वेलकम टू स्टिक अराउंड। पहले दिन के मीराबाई चानू के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आज का तीसरा दिन भारत के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। भारत को गोल्ड देने की इच्छा के साथ सभी प्लेयर मैदान में उतरे, पर नसीब ने उनका साथ नहीं दिया और आज के सेशन में भारत के बहुत से प्लेयर ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से प्लेयर क्वालिफाई कर पाए और कौन कौन से प्लेयर क्वालिफाई नहीं कर पाए। चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं हमारा वीडियो। टेबल टेनिस मैन सिंगल्स राउंड टू में शरत कमल अजंता भारत की ओर से खेल रहे थे और वो 4-2 से ये मैच जीत गए हैं। आर्चरी मेंस टीम 1/8 एलिमिनेशन राउंड में भारत की ओर से तरुणदीप राय, अंतनु दास और प्रवीण जाधव भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इसमें वो 6-2 से जीत गए, पर क्वार्टर फाइनल्स में 6-0 से वो हार गए हैं। बैडमिंटन मेंस डबल ग्रुप प्ले स्टेज में भारत की ओर से सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी खेल रहे थे और वो 2-0 से हार गए हैं। स्विमिंग मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में सज्जन प्रकाश क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। फेंसिंग वुमेन्स इंडिविजुअल सबरे टेबल ऑफ 64 में इंडिया की तरफ से सीए भवानी देवी प्रतिनिधित्व कर रही थी और उन्होंने टेबल ऑफ 64 का मैच वो जीत गई थी, पर टेबल ऑफ 32 का मैच वो हार गई है। सेलिंग लेजर ओपनिंग सीरीज रेस 2 और रेस 3 में विष्णु सरावनन भारत की तरफ से खेल रहे थे और वो क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। सेलिंग लेजर रेडियल ओपनिंग सीरीज रेस 3 और रेस 4 में भारत की ओर से नेत्रा कुमनन खेल रही थी और वो क्वालिफाई करने में नाकाम रही। शूटिंग मेंस स्केट क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की ओर से एवीएस बाजवा और यमे खान खेल रहे थे और वो क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। टेबल टेनिस वुमन सिंगल्स राउंड 3 में भारत की ओर से मनिका बत्रा और राउंड 2 में यश मुखर्जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और वो दोनों भी अपने मैचेस हार गई है। टेनिस मेन सिंगल सेकंड राउंड में भारत की ओर से सुमित नगल खेल रहे थे और वो 2-0 से हार गए हैं। बॉक्सिंग मेंस मिडल वेट राउंड ऑफ 32 में आशीष कुमार 5-0 से हार गए हैं। आशीष कुमार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हॉकी वुमेन्स टूर्नामेंट फुल मैचेस में इंडिया हार गई है। आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा, उम्मीद करते हैं कि कल का दिन अच्छा हो। उसी के साथ हमारा वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।